हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आप लोग का दिल से स्वागत है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ चेन्नई, बैंगलोर टू चेन्नई। तो अभी मैं दासर अली मेट्रो स्टेशन पे हूँ। मेट्रो पकड़ के अभी जाऊँगा मैं मिनिस्ट्रिक रेलवे स्टेशन, और मिनिस्ट्रिक रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ूंगा चेन्नई के लिए। ऑलरेडी बुक है टिकट, तो चेन्नई चलते हैं। और आज मैं आप लोगों को बैंगलोर टू चेन्नई का सफ़र दिखाता हूँ, एंड चेन्नई चल के भी चेन्नई का भी कुछ नज़रिया दिखाऊंगा, ठीक है। और गाइस बताओ आप लोग कैसे हो, कैसा चल रहा है लाइफ। अभी तो मैं मेट्रो में बैठ चुका हूँ, जा रहा हूँ अभी मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन बैंगलोर का, KSR रेलवे स्टेशन। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अभी केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन। अभी चलेंगे स्टेशन की ओर, रेलवे स्टेशन की ओर। तो गाइस अभी रेलवे स्टेशन के लिए पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। एक्चुअली केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन जो वो अंडरग्राउंड मेट्रो है, फिर अपन को अंडरग्राउंड मेट्रो से निकल के फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ता है मेन रोड पर, एंड मेन रोड क्रॉस करके मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन। तो गाइज 8 बजे अपनी ट्रेन है, अभी हो रही है 7:30, तो बहुत टाइम है। अभी तो 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। एक्चुअली गाइज चेन्नई में पहुंच के वहां पर अगर काम से फुर्सत मिल गई तो चेन्नई बीच पे भी जाएंगे, और वहां का चेन्नई बीच आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोग देख चुके हो तो कोई बात नहीं है, और कोशिश करूँगा कि 1-2 प्लेस और मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ चेन्नई का। तो अभी कुछ ऑफिशियल वर्क से जा रहा हूँ, एक मीटिंग है। वैसे गाइस मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस काम से जाऊँ, मैं आप लोगों को उस प्लेस के बारे में दिखाऊँ, बताऊँ, तो यही मेरी कोशिश रहती है। और मेरे वीडियो का थीम यही रहता है कि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ और जहाँ भी जाऊँ उनके बारे उसके बारे में, उस प्लेस के बारे में आप लोगों को बताऊँ। तो गाइस ये अपनी ट्रेन है। तो गाइस मैं फाइनली बैठ चुका हूँ अपने सीट पे, 71 सीट D7 कोच। तो मुझे तो लग रहा था कि यार कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, बट एनी हाउ अभी यहाँ से लगभग 2:30 बजे करीब मुझे ट्रेन पहुँचा देगी चेन्नई सेंट्रल। और फिर चेन्नई सेंट्रल में पहुँच के फिर वहाँ पर जाके क्या करना है फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। ट्रेन हो फ्लाइट हो, कभी मैं टाइम से 1.5 घंटे पहले पहुँचता हूँ, ट्रेन हो तो 1/2 घंटे पहले, इतना काफ़ी होता है। कभी भी मिस ना हो इसके लिए टाइम से पहले पहुंचे वही ठीक रहता है।
अभी पेराम्बूर पहुंचे, पेराम्बूर ये चेन्नई का लोकल ट्रेन लग रहा है, लोकल ट्रेन ऑफ चेन्नई, क्या बात है, ग्रीन ग्रीन। तो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अभी चेन्नई सेंट्रल। अरे यार मैं तो अपना पावर बैंक भूल ही गया यार, ओ माय गॉड, ये तो अपनी जान है भाई। आ जा यार, ऐसा कैसे हो सकता है मैं इसको भूल जाऊं। पावर बैंक चार्ज में ला के छोड़ दिया था ट्रेन में ही भाई, निकल जाता अभी यार ट्रेन मिस हो जाता, बहुत बड़ा पोपट हो जाता यार, पोपट एकदम पोपट हो जाता भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अभी चेन्नई सेंट्रल, अभी अब यहाँ चलते हैं, सबसे पहले पेट पूजा करेंगे, खाने के बाद कोई काम। तो अच्छा था यार गाइस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बैंगलोर टू चेन्नई, चेन्नई सेंट्रल आने का, एंड बाई सेकेंड सीटिंग चेयर में बैठ के आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। चेन्नई में सिर्फ आज भर के लिए ही हूँ, सिर्फ आज के लिए आया हूँ। नाइट को फिर से रिटर्निंग ट्रेन है 11:30 को, 11:30 नाइट को, तो लगभग काम हम तो सब फिनिश हो जाएगा, मीटिंग्स जो भी है फिनिश हो जाएगी करीब 6 बजे शाम, एंड 6 बजे के बाद क्या करना है मेरे को पता नहीं है, चले चलते हैं। तो यार एकदम 2:30 पे ट्रेन ने एकदम अराइवल कर दिया चेन्नई रेलवे स्टेशन पे, चेन्नई सेंट्रल पे, एकदम टाइम का एकदम पक्का बोलूँगा भाई, साउथ इंडियन रेलवे हैट्स ऑफ। तो गाइस आई एम इन फ्रंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, नाम तो सुना ही होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो यार अपने को यहाँ पे कोई पिकअप करने अभी आ रहा है, फिर उसके कार में जाएंगे और फिर उससे मीटिंग करके फिर खाने के लिए जाएंगे, खाने का टाइम मिला नहीं अपने को। अच्छा यार जैसा कि मैंने सोचा था कि यार बहुत गर्मी पड़ेगी चेन्नई में, बट थैंक गॉड गर्मी के कारण मैं गर्मी के मौसम में अपने घर बिहार नहीं जाता हूँ, बैंगलोर में ही रहता हूँ। जब भी जाता हूँ बिहार को ठंड के मौसम में जाता हूँ, गर्मी से इतना एलर्जी है भाई साहब, वैसे तो सबको है बट यार स्वेटिंग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाइस अभी बंदा आने वाला है पिकअप करने के लिए, उससे मीटिंग करेंगे, फिर मीटिंग के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मीटिंग से नॉल थोड़ा प्रोटोकॉल है मैं दिखा नहीं सकता, सॉरी गाइस। तो उसके बाद फिर मिलता हूँ मैं, ठीक है आप लोगों से। तो भाई साहब चेन्नई का चाय पीते हुए अभी अंकल अभी बना रहे हैं चाय, चेन्नई का चाय पहली बार पी रहा हूँ। अंकल मुस्कुरा रहे हैं। गाइज आई एम जस्ट वॉचिंग दैट ओल्ड लेडी, कोई इसको रुपया नहीं दे रहा यार, अब देखो ये माँ मेरे पास आ रही है। रुक जा, देता हूँ। तो यार जहाँ भी बूढ़ी माँ को देखो रुपया मांगते हो तो उनको ज़रूर आप लोग हेल्प करो, ठीक है। ओल्ड पीपल, बूढ़ी माँ, बूढ़ी बाबा, बूढ़े बाबा, जहाँ भी मिल जाए उनको आप लोग हेल्प करो, ऐसे खाली मत जाने दो। पर जिनके पास दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है देखने के लिए और दो कान है, उनको रुपया कभी मत दो, हम लोग उनको रुपया दे के बढ़ावा देते हैं, इसलिए हम लोग का देश आगे नहीं बढ़ रहा है। बट यार ओल्ड लेडी है, ओल्ड पर्सन जो हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको यार हेल्प ज़रूर करो आप लोग, मैं हेल्प करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ही बोलता हूँ हेल्प करने, जो भी है यार 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो भी है आपके पास, प्लीज़ हेल्प देम। आई विल टेक ऑर्डर इन द कंपनीज, ओके, I'll come in train and I'll purchase goods and I'll okay. Take it back now. Okay. Retail supply is major to me. This is open. Napier Bridge. Napier. Okay. Spell it. Napier. Okay. Napier. Because here this river is there. Napier Bridge. Mix in sea. From here, sea it is starting. Okay. From here. Okay. It's fully there.
what is this? Sundal, we will say in Tamil. Sundal language. Sundal in Tamil. Ah, yes. Okay. तो गाइज अभी मीटिंग हो चुकी है ओवर. एक्चुअली मुझे जहाँ पे मीटिंग करनी थी, जिस पर्सन से मुझे मीटिंग करनी थी, वो बीच पे ही आ गए, चेन्नई बीच पे. और चेन्नई बीच पे ऐसे घूमते हुए ही मीटिंग हो गया एंड. तो बहुत अच्छा लगा. और बीच पे जाके अंदर में अलाउ नहीं है, तो लोग बीच के थोड़ा अंदर में जाने देने से मना कर रहे थे. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं तो पूरा बीच आपको दिखा नहीं पाया, बस थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया है बस. एक्चुअली ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस था यहाँ पे चेन्नई बीच पे आने का. तो अब देखते हैं, अभी तो 11:30 बजे ट्रेन है, तो अभी ये मुझे ड्रॉप कर देंगे कार से, फिर चलते हैं. फिश मार्केट. ओके, दिस इज फिश मार्केट. हां यस, दिस बिल्डिंग्स आर मेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. ना ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मींस गवर्नमेंट हैज दिस बिल्डिंग गिवन टू दिस पीपल, फिशरमैन पीपल. ओहो, हां, फ्रीली. फ्री. हां यस, फ्री. मींस द गवर्नमेंट हैज गिवन फ्री बिल्डिंग टू फिशरमैन. ओहो हो. यू कैन सी द बिल्डिंग. फ्रीली दिस. This all buildings. Yes. It is good now. I am hearing for first time. Yes. Government actually. Government is thinking about, thinking very good thing about the fishermen and all. People, many people come to buy here fishes. Fishes and all. Yes. See, you can see right. Very famous fish market. Is not like the Pattinapakkam. This place is called. Okay. Then you leave early, sir. Why? Because you have to go some 60 or 70 kilometer, right? No, no. From here, my place, my Parimala Nagar only 60. My place is there, 35 kilometer from there. Okay, okay. Because I'm planning to take ECR route. I'm planning. Marine Beach or Marina Beach? Marina. Marina Beach. Yes. Okay. Marina. Okay, M A R I N A. Okay. So guys, अभी खाना खाया, मसाला डोसा एंड बोंडा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ खा के. एक्चुअली गेस्ट है तो उनके सामने में वीडियो बनाने में अच्छा भी नहीं लग रहा है. तो यार मैं अभी फ्री हुआ हूँ और फिलहाल मैं हूँ अभी एलिस रोड में. अन्ना सलाई रोड है, एलिस रोड, अन्ना सलाई रोड, जो चेन्नई का फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है. तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा वैमरा देख रहा था. अभी तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, अभी मैं वीडियो बनाता हूँ, रेडी करता हूँ आप लोगों के लिए नॉर्मल कैमरा फ़ोन से, जो कि मेरा रियलमी फ़ोन है. तो वही देख रहा था कि किस तरीके का यहाँ पे कैमरा मिलता है और ट्राईपॉड स्टैंड एंड ऑल. थोड़ा महंगा है, लेंगे कभी ना कभी. तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, पूरा कैमरा वैमरा यहाँ पे मिल सकता है यार. तो यूट्यूबर लोग, आप आते हो चेन्नई में तो यहाँ पे आके आप मार्केटिंग कर सकते हो रिलेटेड टू योर व्लॉगिंग. तो यार चेन्नई मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है भाई. अभी मैं गया था इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कैमरा मार्केट में. तो वही थोड़ा दाम वाम देख रहा था यार, कैमराज की क्या प्राइस है. तो कैमरा तो लेना है ना, थोड़ा क्वालिटी अच्छा करना है, बट अभी नहीं लूँगा यार. तो भाई चेन्नई में अभी टाइम स्पेंड करते हुए और ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, गर्मी बहुत लग रही थी इसीलिए शर्ट खोल लिया, जैकेट उतार दिए. अब टी शर्ट पहन के अब सीधा जाएंगे थोड़ी देर में स्टेशन पे, क्योंकि गाइस 11:30 बजे अपनी ट्रेन है बैंगलोर के लिए. तो गाइस मैं फर्स्ट टाइम चेन्नई मेट्रो से सफ़र करने जा रहा हूँ. बस 2-3 स्टेशन का सफ़र रहेगा. बैंगलोर मेट्रो का तो सफ़र कर चुका हूँ बहुत बार, बट चेन्नई मेट्रो का भी सफ़र करके देख लेते हैं और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. और बताओ गाइज, आप लोगों में से कितने लोग चेन्नई मेट्रो से सफ़र कर चुके हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना. मैं तो यार लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ चेन्नई मेट्रो से सफ़र करने के लिए. अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं आपको सफ़र दिखाता हूँ चेन्नई मेट्रो का, एक या दो स्टेशन तक लेकर चलूँगा आप लोगों को बस.
तो यार चेन्नई मेट्रो में तो यार अजब सा सिस्टम है भाई, गजब सिस्टम है। पैर से ऐसे प्रेस करो, लिफ्ट ओपन हो जाएगी भाई साहब। यहाँ का चेन्नई का मेट्रो तो भाई गजब है यार, मतलब कि ये पूरा देख रहे हो आप, पूरा डोर सिस्टम है मेट्रो भाई। दो दो डोर ओपन होती है भाई यहाँ के मेट्रो में। बेंगलोर के मेट्रो से बहुत डिफरेंट है भाई, एंड बहुत ही सेफ भी है। तो यार अपने को अभी जाना है एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल मेट्रो। एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल मेट्रो ये वाली। तो यार मैं तो सोच रहा था कि यहाँ का मेट्रो बेंगलोर के मेट्रो से एकदम सेम है, बट यार टोटली डिफरेंट है। टोटली क्या, थोड़ी सी डिफरेंट मान सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे मेट्रो आती है तो मेट्रो में इन करने के लिए दो दो डोर ओपन होती है, जो कि बहुत ही सेफ है। बेंगलोर मेट्रो भी अपना यार कोई ख़राब नहीं है यार, बेंगलोर मेट्रो आई लव बेंगलोर मेट्रो। बट यार चेन्नई मेट्रो का सिस्टम देखे मुझे अच्छा लगा, सेफ्टी ज़्यादा है, ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। अभी चलिए मेट्रो आ गई, अभी चलते हैं। सिर्फ एक स्टेशन आगे अभी सेंट्रल मेट्रो है। सेंट्रल मेट्रो में अभी अपन नीचे उतर जाएंगे, तो बस एक स्टेशन का सफ़र था अपना चेन्नई मेट्रो से। भाई साहब एक ही स्टेशन का सफ़र था लेकिन बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ही अच्छा लगा यार, वेरी गुड एक्सपीरियंस भाई। चेन्नई मेट्रो मानना पड़ेगा भाई, चेन्नई मेट्रो के भी। तो यार चेन्नई मेट्रो चेन्नई के इतने पास रहते हुए भी 12 साल से बैंगलोर में मैं हूँ, बट आज तक मैंने चेन्नई मेट्रो से सफ़र नहीं किया था। बट गाइस आज मैंने चेन्नई मेट्रो से सफ़र कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो चलिए अब तो चेन्नई सेंट्रल के पास आ चुके हैं, अब ट्रेन का इंतज़ार करेंगे बैठ के, झक मारेंगे स्टेशन पर बैठ के, क्योंकि 11:30 बजे ट्रेन है। और यार ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं चेन्नई में टाइम स्पेंड करने के लिए, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। तो बस वही बीच पे गया, मरीना बीच, मरीन बीच गया है वहीं पे, और बीच पे गया वहीं पे थोड़ी सी मीटिंग। तो यार बस थोड़ा सा चेन्नई सिटी इधर उधर रोम किया, और बीच पे गया, मरीना बीच पे गया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद बस ये चेन्नई मेट्रो देख रहा हूँ, और चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वो मैंने देखा, जो मैंने देखा वो मैंने आप लोगों को दिखाया गाइस। तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया, फिर कभी चेन्नई आएंगे तो यहाँ की जो बहुत अच्छी अच्छी प्लेस है, फेमस प्लेसेस है, तो उनको मैं एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा अपने वीडियो में। यार चेन्नई सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के सामने तो मेरे को लगता है एयरपोर्ट भी फेल है भाई, इतना बड़ा तो एयरपोर्ट का भी एरिया नहीं होता है यार। अंदर का जो वेटिंग एरिया होता है या वॉकिंग एरिया होता है एयरपोर्ट के अंदर जब हम लोग एंट्री लेते हैं, तो बहुत ही बड़ा मेट्रो स्टेशन है भाई चेन्नई सेंट्रल का। तो यार बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो पानी यहाँ नहीं मिला, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे मिल्क शेक मिल रहा है, तो वही मिल्क शेक पी के थोड़ा प्यास बुझाना पड़ेगा, फिर पानी ले लेंगे ट्रेन में बैठने से पहले। ₹20 में मिल्क शेक मिला भाई, ओनली ₹20। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन पे, चेन्नई का जो डेस्टिनेशन था मेरा, जहां से मेरे को ट्रेन पकड़ना है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो गाइस अभी सिर्फ रात के 9 बजे हैं, 9 बजे है ना, हाँ 9 बजने में 2 मिनट बाकी है। और गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, अभी 2.5 घंटे इंतज़ार करना है यार भाई साहब, 11:30 में ट्रेन है, 2.5 घंटे क्या करूँ कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं पे इधर उधर टाइम पास करेंगे, अंदर तो नहीं जाएंगे, अंदर गया तो यार बहुत गर्मी लगेगी, बहुत सारे लोग होंगे बैठे होंगे, तो उस बीच में यार अपने को बैठना नहीं है, उससे अच्छा है कि बाहर थोड़ा टहलो वहलो टाइम पास करो, फिर टाइम हो तो अंदर जाओ।
आ रही है। यहाँ पे अपनी ट्रेन लगी हुई है, पहुंच चुका हूँ बैंगलोर। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। तो गाइज चलिए फिर से मिलते हैं आप लोगों से अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। आई होप गाइज ये जो मैंने वीडियो बनाया फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई आप लोगों को थोड़ी सी भी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड कमेंट करना एंड थोड़ा शेयर जरूर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। ओके गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अभी केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन के बाहर में खड़ा हूँ। एक्चुअली ओपनिंग टाइम, एंट्री गेट का ओपनिंग टाइम 5:45 में है बैंगलोर का, केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन का, बट 6:00 हो गया, अभी तक ओपन नहीं हुआ यार। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो वेट करते हैं क्योंकि मेट्रो से जाना ही अच्छा है, मेट्रो से जल्दी पहुँच जाएंगे, मेट्रो इज़ द बेस्ट। बस से जाने में यार अजीब लगता है, एक तो टाइम भी लगता है बहुत ज़्यादा और डस्ट एंड ऑल। अभी गेट ओपन हुआ है, सिक्योरिटी वाले मेट्रो स्टेशन का गेट अभी एंट्री कर ओपन कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन।